दुनिया भर में स्पेस के लिए एक रेस चल रही है। मुकाबला है अंतरिक्ष में सबसे पहले अपने पैर जमाने का। कोई चांद पर बेस बनाना चाहता है तो कोई मंगल ग्रह पर कॉलोनी। भारत ने अभी कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 को भेजकर चांद पर रिसर्च की। अमेरिका का नासा आर्टेमिस मिशन के तहत चांद पर इंसानों को ले जाकर 2025 तक रखने वाला है। रूस और चीन साथ मिलकर चांद पर बेस बनाने का प्लान कर रहे हैं। वहीं एक देश ऐसा है जो 2050 तक पहले चांद और उसमें सफलता मिलने के बाद मंगल तक बुलेट ट्रेन चलाने के प्लान में लग चुका है। आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि क्या भविष्य में ऐसा संभव है जब इंसान चांद या मंगल ग्रह तक ट्रेन के माध्यम से जा सके। लेकिन अब ये सपना नहीं रहा है। जी हाँ, ये सच होने जा रहा है। अक्सर हमसे कहा जाता है कि जिंदगी में कुछ बड़ा सोचो। जापान ने इस बार सच में बहुत बड़ा सोचा है। जापान की योजना है कि वो धरती से एक बुलेट ट्रेन चलाएगा जो लोगों को चांद तक ले जाएगी। इस प्लान में सफलता मिलने के बाद जापान बुलेट ट्रेन से ही लोगों को मंगल ग्रह पर भी भेजेगा। अब कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि ऐसा तो संभव ही नहीं है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो एक असंभव चीज है। लेकिन जरा ठहरिए, आज से 50 साल पहले जब किसी ने ये कहा था कि 50 साल बाद इंसान पृथ्वी पर कहीं पर भी आसानी से वीडियो कॉल पर बात कर सकेगा, यानी काफी दूर बैठा इंसान उसको सामने दिखेगा, तब भी लोगों ने ऐसे ही मजाक उड़ाया था। 150 से 200 साल पहले जब कहा गया था कि इंसान प्लेन की सहायता से हवा में उड़कर बहुत तेज गति से और आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा, तब भी लोगों ने ऐसे ही मजाक बनाया था। ये विज्ञान है और यहाँ पर जो असंभव दिखता है वही आगे जाकर संभव हो जाता है। वैज्ञानिकों की सोच हमारी सोच से बेहद ही आगे चलती है और ऐसी ही एक ये जापान की चांद तक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है जो अभी तक तो असंभव लग रही है। धरती से चांद तक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना पर जापान ने प्लान बनाना शुरू कर दिया है। काजिमा कंस्ट्रक्शंस के साथ जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता इस योजना पर पूरी लगन के साथ काम कर रहे हैं। जापान के शोधकर्ताओं ने इस अंतरग्रही परिवहन तंत्र को हेक्साट्रैक नाम दिया है। इसकी विशेष खासियत ये होगी कि ये लंबी दूरी की यात्राओं के दौरान कम गुरुत्व के माहौल में ही 1G का गुरुत्व कायम रखेगी। इन ट्रेनों को हेक्सागोनल यानी षटकोणीय आकार के कैप्सूल होंगे जिन्हें हेक्सा कैप्सूल कहा जाएगा। जापानी शोधकर्ताओं के प्रस्ताव के अनुसार, जैसा अभी वीडियो में आप देख पा रहे हैं, 15 मीटर की त्रिज्या वाला एक मिनी कैप्सूल पृथ्वी और चंद्रमा को जोड़ने का काम करेगा और वहीं चंद्रमा और मंगल को जोड़ने के लिए 30 मीटर की त्रिज्या के कैप्सूल की जरूरत पड़ेगी। यानी इन कैप्सूल के साथ पृथ्वी से चांद और चांद से मंगल ग्रह के बीच ट्रेन चलाई जाएगी। इन कैप्सूल में एक तरह की विद्युत चुंबकीय तकनीक का इस्तेमाल होगा जो जर्मनी और चीन में मैग्लेव ट्रेन में उपयोग में लाई जाती है और इसी के अंदर ये 6 डिब्बों वाली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन पटरी के माध्यम से ही चलेगी, लेकिन पृथ्वी से चांद तक और फिर चांद से मंगल तक पटरी कैसे बनाई जाएगी इसके बारे में जापान के वैज्ञानिकों ने अभी नहीं बताया है। शायद जापान के वैज्ञानिक ने अपने इस आइडिया को दूसरे देशों द्वारा चोरी होने के डर से शेयर नहीं किया है। शायद इसकी सफलता के बाद ही इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल पाए। इस ट्रेन के लिए चंद्रमा पर मौजूद स्टेशन को लूनार स्टेशन कहा जाएगा, वहीं मंगल ग्रह के स्टेशन को मार्स स्टेशन कहा जाएगा। वहीं पृथ्वी के लिए स्टेशन का नाम टेरा स्टेशन कहलाएंगे और इस स्पेस ट्रेन का नाम स्पेस एक्सप्रेस होगा। स्पेस एक्सप्रेस ट्रेन का स्टैंडर्ड गेज के ट्रैक पर
छह कोच के साथ आना जाना होगा। आगे और पीछे के कोच में बूस्टर रॉकेट्स लगे होंगे जो उन्हें तेजी से आगे बढ़ाने, धीमे करने और रोकने के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। जैसे अभी रॉकेट को पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेजने के लिए बूस्टर रॉकेट का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही ट्रेन में भी इस्तेमाल होगा। ट्रेन में लगे ये बूस्टर रॉकेट ट्रेन को ग्रहों के बाहर चलने के अलावा ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से ट्रेन को बाहर निकालने का भी काम करेंगे। शोधकर्ताओं ने वीडियो जारी करके इस पूरे प्लान को समझाया है। फिलहाल इस ट्रेन का प्लान शुरुआती चरण में है। 2050 तक इसका असल प्लान निकल कर सामने आएगा। इसके अलावा जापान ने पृथ्वी से चांद और मंगल तक लोगों को ले जाने के साथ साथ वहां रहने के लिए भी प्लान बनाया है। यानी इन ट्रेनों में बैठकर जो लोग जाएंगे उनके रहने के लिए चांद और मंगल पर जापान ने पूरी तैयारी कर ली है। जापान के इस मेगा प्रोजेक्ट में चांद और मंगल ग्रह पर ग्लास हैबिटेट बनाने की भी योजना है। चांद पर बनने वाली कॉलोनी का नाम लूना ग्लास होगा, जबकि मंगल पर बनने वाली कॉलोनी का नाम मार्स ग्लास होगा। यानी धरती से जो लोग बुलेट ट्रेन के माध्यम से वहां भेजे जाएंगे वे वहां एक आर्टिफिशियल स्पेस हैबिटेट में रहेंगे जिसका माहौल धरती जैसा बनाया जाएगा। कॉलोनी एक कोन की तरह होगी जिसमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी होगी। कॉलोनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा होगी। इसके अंदर हरे भरे पेड़ होंगे, नदियां होंगी, पानी वगैरह सब कुछ होगा। वहां पर भी इतना ही गुरुत्वाकर्षण होगा जो धरती जैसा ही असर करेगा। वहां भी ऐसा वायुमंडल तैयार किया जाएगा जो इंसानों को धरती की तरह महसूस कराए। ऐसा इसलिए भी कि कम ग्रेविटी वाली जगहों पर इंसानों की हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ये ग्लास कॉलोनी ऐसी होगी जहां इंसान आराम से रह सकेंगे। कॉलोनी के अंदर सब कुछ सामान्य रहेगा और हो सकता है अंदर रहने के लिए आपको कुछ खास कष्ट न करना पड़े, लेकिन बाहर जाने के लिए आपको स्पेस सूट पहनना होगा। आपको क्या लगता है, भविष्य में जापान का ये प्लान संभव हो पाएगा या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना ना भूलें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।